खाकान अब्बासी अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर, तुर्क सदर और श्रीलंकन सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में एक दूसरे के साथ तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ओआईसी के इजलास से भी खिताब किया है। मजीद तफसीलात क्या है ये जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर कयूम से। नासिर कयूम बताएगा मुलाकात का हवाल क्या रहा। जी देखिए, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने न्यूयॉर्क में एक निहायत ही मखसूस दिन गुजारा, जहाँ जिन्होंने तुर्की के, जैसे कि आपने बताया कि तुर्की के सदर अर्दोगान, ईरानी सदर हसन रूहानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला के अलावा अमरीकी नायब सदर के साथ निहायत एक अहम मुलाकात की है, जिसमें जिसका जो बयानिया है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने बताया। उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान ने जो ट्रंप के हालिया बयान के हवाले से जी शुक्रिया नासिर आपका।